शो यानी कि स्कूल डेज में, और स्कूल डेज में आज हमारी पूरी टीम मौजूद है किड्स आर्केड आनंदपुरी पटना के बच्चों के साथ। बहुत ही क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मेरे पीछे हैं आप देख सकते हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं, क्लास में भी है, बाहर भी है। तो आइए क्लासरूम से शुरुआत करते हैं और बातें करते हैं बच्चों से। अभी मैं हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, जो कि बहुत ही फनी फनी बातें करके हमको एंटरटेन करने वाले हैं, और हमारे पास आप हैं, बिल्कुल टीचर की तरह बैठी हुई हैं। हेलो एंड से हेलो टू एवरीवन, से हाय। वाओ, क्या नाम है आपका? मंजुगारा। मंजुगारा, वाओ, तो आप लेडी गागा के फैन है? नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बड़े होके आपको क्या बनना है? क्या बनना है बड़े होके? ब्रेव बनना है। बिल्कुल, सबको ब्रेव होना चाहिए। और आप कार्टून देखते हैं? कार्टून देखते हैं आप? हाँ। क्या देखते हैं कार्टून? डोरेमोन। और डोरेमोन की सबसे अच्छी चीजें क्या है मनरू? वाओ, गैजेट्स। डोरेमोन गैजेट यूज करता है। और ये बता दीजिए, आप बहुत प्रिटी लग रही हैं, बड़े होके आप ब्रेव भी बनेंगी, और आपको और क्या क्या करना है बड़े होके? स्टडी करनी है। ओके, और आपने इतना अच्छा ये हेयर का स्टाइल किया हुआ है, किसने बनाया? ये मम्मी ने बनाया। मम्मी ने बनाया है। अच्छा, हेयर बनाते समय मनरूप सब बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं, आप भी करते हो? नहीं। मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं करते। और खाना में क्या पसंद है मनरूप को? चॉकलेट। चॉकलेट्स पसंद है? तो लेकिन चॉकलेट से तो स्ट्रेंथ नहीं होती, ताकत नहीं होती? होती है। कितनी ताकत है दिखाओ जल्दी, आपको कितनी ताकत है? दो ताकत होती है, तो दो ताकत जल्दी दिखा दो मुझे, ऐसा करके दिखा दो। यार, दो ताकत इसने आपको दिखाई मनरू, बहुत ही क्यूट लग रही है। लेकिन क्यूट बच्चों की कमी नहीं है इस क्लास में, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ। और हमारे पास आप हैं, क्या नाम है आपका? रितिका कश्यप। रितिका कश्यप इनका नाम है। और रितिका, आपको क्या करना बहुत पसंद है? क्या बात है, बहुत ही प्यारी। और रितिका के लिए क्लैप होना चाहिए, जल्दी जल्दी क्लैप कर दीजिए। बहुत ही अच्छा राइम्स रितिका ने सुनाया, वो भी हिंदी में, तितलियों से रिलेटेड। और आपका क्या क्या नाम है, येलो बॉयज और गर्ल? अक्षरा। अक्षरा, ओके। और अक्षरा बहुत ही प्रीटी गर्ल है। और अक्षरा, आप ये बताइए, आपको बड़े होके क्या बनना है? मुझे बड़े होके छोटा भीम बनना है। इनको बड़े होके छोटा वाला भीम बनना है। और आपको भीम क्यों पसंद है? मुझे भीम बहुत अच्छा लगता है। भीम बहुत अच्छा लगता है आपको? और कोई ऐसा भी है जो अक्षरा को बहुत परेशान करता है, और बड़े हो के अक्षरा उसको बिल्कुल सबक सिखाने वाली है, कोई है ऐसा? कोई ऐसा नहीं है, किसी को सबक नहीं सिखाना, ओके। और मम्मी पापा में ज़्यादा प्यार कौन करते हैं? मम्मी प्यार करती है और पापा प्यार करते हैं। ज़्यादा कौन करता है? ज़्यादा मम्मी प्यार करती है। ज़्यादा तो मम्मी ही करती है ना। और जब आपको बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस चाहिए तो कौन ला के देता है? मम्मी ला के देती है। और खाने में क्या पसंद है अक्षरा को? खाने में मुझे केक पसंद है। केक पसंद है, क्या बात है, केक की तरह ही स्वीट है। और इनको कॉन्फेक्शनरी के आइटम्स बहुत पसंद है। और कौन मेरे से बात करना चाहेगा? आप बहुत शांत बैठे हैं, क्या नाम है आपका? आरव। मैं बैठूं? थैंक यू। क्या नाम है? आरव। आरव, आरव आप क्या पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? वन टू पढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, ये जो आपका टी शर्ट है वो किस कलर का है? लाल। किस कलर का है? लाल। रेड है, ओके। और ये बताइए, ये जो बैग है इसमें ये वाला कौन सा कलर है? ये वाला, ये कौन सा? ब्लैक है। अरे वाह, ये तो पढ़ने में बहुत ही तेज है, इनको तो कलर अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कलर। और ये बताइए, आप पूरे क्लास में सबसे बदमाश कौन है जो आपको बहुत परेशान करता है? निधिमा। रिद्धिमा इस क्लास की सबसे बदमाश लड़की है, अभी तक बच्चों ने कहा है, मुझे पता नहीं। और आप रिद्धिमा हैं? रिद्धिमा कौन है? इसने तो बोला कि मैं रिद्धिमा नहीं हूँ।
आप रिद्धिमा नहीं है? है? नहीं है? आप ही रिद्धिमा है? आज किसी का बर्थडे है, जिया का बर्थडे है। बर्थडे है? और रिद्धिमा इसमें भी बदमाशी करने वाली है, है ना? क्या रिद्धिमा प्लान किया है आपने? आज सबके बर्थडे में कौन सी वाली बदमाशी करोगे? सबका पानी पी लोगे? केक कटने से पहले ही खा लोगे? हाँ हाँ। लेकिन रिद्धिमा आप तो बहुत शांत हो, आप कैसे बदमाशी करते हो? आप तो बदमाशी नहीं करते ना, सब झूठ बोल रहे हैं ना। मेरी जो छोटी बहन है ना, तो बहुत बदमाशी करती है। छोटी बहन बदमाशी करती है और ये बदमाशी करती है? हाँ, वो मेरा बहुत बदमाशी करती है, वो मुझे बहुत डांटती है। हाँ, डांटती भी है? मुझे भी डांटती है। आपको भी डांटती है? आप क्यों डांटते हो? इसके मन में कुछ प्लानिंग चल रही है। मेरी शिकायत हुई है, पूरे कैमरे के सामने, पूरी पब्लिक के सामने मेरी शिकायत की है। अंदर अंदर रिद्धिमा की प्लानिंग चल रही है, जाने दो, एक बार इन लोगों को वो बताने वाली है। रिद्धिमा प्लीज कुछ मत करना। आपका क्या नाम है? रितिका नंदन। और ये बताओ, आपको क्या पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है? ABCD। पढ़ के सुनाओ जल्दी। आप रो क्यों रहे हो? हेलो, आप क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? आप क्यों रो रहे हो? ये क्यों रो रहा है? आपका क्या नाम है? हर्ष। हर्ष, क्या आप बता सकते हैं कि आपके बगल वाला जो स्टूडेंट है, जो फ्रेंड है आपका, वो क्यों रो रहा है? क्या आपको कुछ पता है इसके बारे में, क्यों रो रहा है ये? क्योंकि स्कूल आया, इसीलिए। स्कूल आना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, तो रोने वाली तो बात है, इसलिए रो रहा है वो। आपको स्कूल पसंद नहीं है बेबी? आपको स्कूल पसंद नहीं है? हेलो, आपको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है? स्कूल पसंद नहीं है? एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आज के डेट में ये बात तो है, हम बच्चों को स्कूल जरूर भेज देते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि कंपटीशन का जमाना है और हमारे बच्चे किसी भी हालत में किसी से कम ना हो। और इस चक्कर में कभी 2.5 साल में, कभी 3 साल में, कभी 3.5 साल में, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे होते भी बड़े फास्ट हैं। वो पहले का जमाना तो गया कि बच्चे 5 साल 6 साल 7 साल में स्कूल जाया करते थे, आज के बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैब करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे उदास भी होते हैं, वो मम्मी को छोड़ना नहीं चाहते, घर को छोड़ना नहीं चाहते, जैसे वो बच्चा रो रहा है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक काम करते हैं, या एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि उस बच्चे की प्रॉब्लम मैं समझ सकूँ। आप फटाफट ब्रेक लेकर आइए, हम वापस मिलेंगे स्कूल डेज के अगले सेगमेंट यानी कि फन टाइम में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका स्कूल डेज के सेकेंड सेगमेंट यानी कि फन टाइम में। और फन बच्चे आज के डेट में बहुत डिफरेंट तरीके से करते हैं। आज के डेट में फन सिर्फ खेलना नहीं है, बल्कि खेलते खेलते कुछ सीखना भी है। तो हम बता दें, फन में हम कंसीडर करते हैं पेंटिंग को भी। पेंटिंग के थ्रू बच्चे खेलते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, और आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि सीखते भी बहुत कुछ है। यहाँ पे बच्चों ने अपने टीचर की सहायता से बहुत सारी पेंटिंग्स की है, जिसका एक लुक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बहुत ही सुंदर। आई एम रॉक स्टार, और बिल्कुल आज के डेट में सभी बच्चे अपने आप में रॉक स्टार हैं। बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। तो आपको नहीं लगता कि जिन बच्चों ने बनाया है उनसे मिलना भी चाहिए? जी हाँ, वो सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं उनके पास। तो यहाँ बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, और पेंटिंग करने का तरीका आप सोचिए, इतना छोटा बच्चा है, ब्रश से पेंटिंग तो करेगा नहीं, लेकिन पेंटिंग करने के तरीके बहुत अलग अलग है। कभी हम थंब से पेंटिंग करते हैं, कभी हम फिंगर से पेंटिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स से भी हम पेंटिंग करते हैं। मैंने कई बार हमारे प्रोग्राम में आपको दिखाया भी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिंगर से डॉट प्रिंटिंग करवा रही हैं। आप देख सकते हैं, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सारिन कुमार। ओ, और पेंटिंग करना कितना पसंद है आपको? और इनके पास भी कुछ ऐसी पेंटिंग है जिन्होंने बनाई है, वो भी हाथों से। क्या नाम है आपका? प्रीत। और ये बताओ, पेंटिंग करना अच्छा लगता है या मैम के डर से करते हो? पेंटिंग करना अच्छा लगता है। फेवरेट कलर बताओ, जो कलर आपको रंग भरने में बहुत मजा आता है। पर्पल। पर्पल, ओके, इनको पर्पल बहुत पसंद है। रेड किसको पसंद है? रेड। क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन, और आर्यन आप अपनी वो दिखाओ, पेंटिंग दिखाओ। हम आपको दिखाना चाहते हैं, इनको रेड पसंद है, हालांकि इन्होंने ऑरेंज कुछ पेंट तो किया है, और अच्छा पेंट किया है, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड, वेरी नाइस। और कोई अपनी पेंटिंग दिखाना चाहेंगे? एनीबॉडी?
आप, आपका क्या नाम है? ग्रंट। ग्रंट, वाओ, क्या हीवी हीवी नेम आज के डेट में पेरेंट्स बच्चों के रखते हैं, विच इज वेरी मीनिंगफुल। बट और ग्रंट की पेंटिंग आप देख सकते हैं, अच्छा बनाया है, बहुत अच्छी कोशिश की है आप लोगों ने। और मुझे लगता है ये एक ऐसा तरीका है जहाँ बच्चे फन भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव अनदर क्यूट बेबी। क्या नाम है आपका? अनुपम। नाम है, मेरे नाम से बहुत मैच करता है रूपम। और अनुपम ये बताओ, पेंटिंग दिखाओ पहले तो अपने, क्या बनाया है ये? ये क्या है? सन। सन। और ये बताओ आप को और क्या पेंट करना बहुत अच्छा लगता है? ग्रीन। किया है आपने पेंट इसके पहले? नहीं, येलो। येलो, ओके। और ये बताओ आप, आपको खाने में क्या पसंद है? ये तो बनता है मेरा पूछना, क्या पसंद है? लिट्टी। लिट्टी, लिट्टी, लिट्टी खाते हो? क्या बात है, 110%। ये हमारा बिहारी बच्चा है, इसको लिट्टी बहुत पसंद है खाना। और ये बताओ बड़े होके क्या बनना है अनुपम? पढ़ाई, बड़े होके हम बनेंगे अच्छा बच्चा। अच्छा बच्चा, बड़े होने के बाद भी ये बच्चे ही होंगे मम्मी, आप समझ लीजिए, ये बड़े होने के बाद भी बच्चों जैसे ही रहने वाले हैं। तो अनुपम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और चलते हैं कुछ और बच्चों के पास। आइए, तो अब मैं हूँ UKG के बच्चों के साथ, थोड़े बड़े बच्चे हैं जो हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और पूरा क्लास आप देख लीजिए, एक इंस्पायरेबल पेंटिंग से, सेंटेंसेस से भरे पड़े हैं। और बच्चे लंच भी कर रहे हैं, क्योंकि फन टाइम में सारी चीज़ें आती हैं, खाना टू खेलना एवरीथिंग। तो मैं आपसे बात करती हूँ, आपका क्या नाम है? ऐश्वर्या चौधरी। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या आपके क्लास में लगा हुआ है सेव वाटर, वहाँ पे एक एलिफेंट है और एलिफेंट के ऊपर लिखा हुआ है सेव वाटर, इसका क्या मतलब है आपको पता है? नहीं। अच्छा, पानी बर्बाद करना चाहिए या अच्छे से यूज करना चाहिए? अच्छे से यूज करना चाहिए। बस जब इतना पता है तो यही है सेव वाटर, हमें पानी बचा कर यूज करना चाहिए, बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप में से कौन है जो बता सकते हैं इसको क्या कहते हैं? हेयर। सो दिस इज हेयर, एंड व्हाट इज दिस? नोज। व्हाट इज दिस? आईज। व्हाट इज दिस? चीक्स। व्हाट इज दिस? इन। और ये बताइए आपका क्या नाम है? तुषार। तुषार, तुषार आज आपने लंच में क्या खाया है? रोटी। रोटी और कुछ नहीं। किसकी मम्मी लंच अच्छा नहीं देती है, बेकार लंच देती है, जल्दी बताओ किसकी मम्मी बहुत टेस्टी लंच देती है हमेशा? सब बच्चे मम्मी के फैन हैं, आप कुछ भी कर लो मम्मी से तो बच्चों को बिल्कुल आप अलग कर ही नहीं सकते, बहुत टेस्टी लंच देती है ना। किसकी मम्मी सबको घुमाने ले जाती है पार्क? और सही सही बताना कितने पापा ले जाते हैं, किसके किसके पापा ले जाते हैं? पापा पे भी उतनी हैंड है, किसके किसके दादाजी ले जाते हैं? जिसके दादाजी नहीं ले जाते वो हाथ नीचे करो। ओके, तो 5-6 यहाँ है जिन जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाते हैं। और ये हमें बता दो, आप बता दो हमें कि हमारे पास बहुत सारे शेप्स हैं पीछे, आप देखो पीछे आपका ही क्लास है, इस शेप को हालांकि लिखा हुआ है फिर भी बताएं आप क्या कहते हैं? आप माइक ले, माइक पकड़े, इसको क्या कहते हैं? सर्कल। इसको जल्दी बताओ, स्क्वायर कहते हैं, ये क्या है? ट्रायंगल। ओके, सब जोर से बोलना, ये क्या है? डायमंड। डायमंड, वेरी गुड। और ये क्या है? रेक्टेंगल। और ये क्या है? ओवल। अंडे का शेप सबको बहुत पसंद है, इससे यही पता चलता है कि ओवल शेप बच्चों को बहुत पसंद है और होता भी बड़ा मल्टीपर्पस है। तो हम बता दें कि कुछ बच्चे इधर भी हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप में से कोई ऐसा है जो गाना गाकर सुनाएगा? इतने सारे बच्चे न, आप बताइए, खाते खाते कुछ सुनाने का मजा ही कुछ और है। क्या नाम है आपका? प्रत्याशा। ओके, और आप क्या खा रहे हैं? सत्तू का पराठा। खा रहे ना, बहुत टेस्टी होता है, आई स्वेयर मेरा भी खाने का मन कर रहा है, बट मैं काम करती हूँ। आप गाना सुनाने वाले थे, सो प्लीज कैरी ऑन, सुनाओ। आज सानी सानी सानी, हर दिन भी सानी 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 सानी, जाओ अंदर बीच यार, फोटो मेरी खींच,
वो टीके साथ आ गए थे तेरी जब तू मेरी बदले मन में। तो आप सब मिलके हमें कोई राइम सुना सकते हैं? ओके तो स्टार्ट करिए। वेरी गुड, जोरदार ताली बजा लीजिए अपने लिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये एक ऐसा राइम्स है जो हम सबको याद है, हम सबको आता है। आपको मिलवाएंगे प्रोग्राम के ब्रेक के उस पार कि हमारे बच्चे सिर्फ फनी नहीं करते, टैलेंटेड भी बहुत है। यानी कि हम आपको मिलवाएंगे कल के स्टार से जो कि हमारा आखिरी सेगमेंट है। लेकिन उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के उस पार। यानी जो गा सकते हैं, जो डांस कर सकते हैं और हमें बहुत ही ज्यादा एंटरटेन कर सकते हैं। सो सबको हाय बोलो, सारे फ्रेंड्स को हाय। और आप लोग सब मिलके डांस और गाना सब करने वाले हो ना? ओके, तो सबसे पहले हम लोग गाने से शुरुआत करते हैं और हमारी जो पहली परफॉर्मर है, हम लोग थोड़ा सा फ्रंट आ जाते हैं, वो है आप। आपका नाम क्या है? गुड़िया कुमारी। गुड़िया कुमारी, तो गुड़िया क्या गाती है आइए वो देखते हैं। गाइए गुड़िया। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दम, ओसा वरना जाल, कहाँ से आए तुम? चाक धुम धुम चाक धुम धुम चाक धुम धुम चाक। ये जो लड़का है जब ये रोता है बादल आते हैं, अच्छा घुमड़ घुमड़ घुम घुम। ओहो क्या बात है, उसके बाद? अच्छा लड़की रोता क्यों है? लड़की तो डांस करती है इसमें, तो लड़का हाँ। रोता क्यों है? लड़का भी रोता है ना। लड़का रोता ही है हाँ। उसको और कुछ करना नहीं आता, तो पढ़ाई भी करेगा ना। पढ़ाई करेगा ना, लेकिन रोते रोते है ना हाँ। क्या बात है, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और इसके बाद कौन गाना सुनाने वाला है? इसके बाद कौन आप सुनाने वाले हो? प्लीज आप आगे आओ, आप वहाँ चले जाओ। आपका क्या नाम है? कश्यप। और आप गाना गाना चाहती हैं? सुनाइए। यशो मट्टी यशो मट्टी मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बड़ी मुस्का दी मैया ललन को बताया, लादला कन्हैया मेरा काले छोटी वाला। काले छोटी वाला, ओके क्या बात है, इसीलिए काला। वाह वाह, जोरदार ताली होनी चाहिए। तो लाडला कन्हैया मेरा काली चोटी वाला, मुझे लगता है इतने अच्छे और प्यारे प्यारे लिरिक्स हमें स्कूल डेज में बच्चों से ही मिल सकते हैं। लाडला कन्हैया मेरा काला चोटी वाला, मतलब मैं इसको याद रखने वाली हूँ हमेशा के लिए। अब बहुत मजा आ रहा है ना, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। जोर से हंसो, बहुत फनी था ये। अब हमारे साथ है हमारी अगली परफॉर्मर और जिनका नाम है मनरूप गाला, और ये आपको दिखाएंगे डांस करके, और गाना है चिटिया कलाइया। चमेली देखी चिकना कमीना देखा, चांदनी चिटर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अखा। मेरी बात तेरी बात ज्यादा बात है बुरी बात, थाली में कटोरा लेकर आलू भात मुड़ी भात, मेरे भी जगी सी ने रिपीट।
किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में भी कुछ बात है जो खास है, जो सब तक पहुंचना चाहिए, तो उनका वीडियो बनाएं और हमारे पास मेल करें। नोट करें हमारा ईमेल आईडी, आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etvnews.schooldays@etv.co.in। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी वीडियो भेज सकते हैं। फिलहाल बता दें वक्त हो गया है कि हम आपसे ले विदा, लेकिन इस वादे के साथ और जो वादा मैं हमेशा करती हूँ कि मिलेंगे अगले हफ्ते यानी कि अगले रविवार को 2:30 PM पर इसी चैनल जी हाई टीवी बिहार झारखंड पे। तब तक के लिए दीजिए रूपम को विदा, बाय।